व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात को रखा। इसको देखते हुए अलीनगर स्थित एक भवन में सभी व्यापारिक संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया, जिसके संबंध में व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि जीएसटी विभाग द्वारा महानगर में तमाम छापे सर्वे किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। उसी के संबंध में यह बैठक आयोजित किया गया है। शनिवार को कुछ व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को बताया गया, जिससे मुख्यमंत्री ने सभी व्यापारियों से कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जो व्यापारी अपनी दुकान खोल रहे हैं वह निश्चिंत होकर अपने व्यापार को करें, कोई भी व्यापारी को कोई भी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उसके साथ किसी भी दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, नितिन अग्रवाल, पंकज गोयल, मदन अग्रहरी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, कुछ प्रश्न तीसरी बात बाबूजी महत्वपूर्ण चीज आपके समूह में रखना चाहूंगा, आप इस बात को विचार करिएगा। 10 से 15 मिनट का टांडव भरा अभी कोई कार्य करते हैं ऐसा नहीं, अपने मन से अभी कार्य करते, तो सरकार यही कही है कि 25-25 लेके जाओ। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सरकार जो है किसी व्यापारी के साथ कोई अनैतिक व्यवहार ना हो। ठीक है बाबूजी, ये प्रश्न आप बार बार कर रहे हैं, मेरे को जो है ये बंद क्यों है बाबूजी, ये भी तो तय होना चाहिए। बंद करना ये बंद क्यों है, आखिर में मदन भैया क्यों बंद नहीं? अमित नहीं, ये बात नहीं है, बंद अगर ये हमारी गलती है, हम क्यों बनती है, हमको नहीं बंद करना चाहिए, हम क्यों बनती है। ठीक है, यहाँ सबकी बात सुनी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें नहीं बोलिए जिसको कि यहाँ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ का समय हुआ है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को प्रताड़ित किया गया है या उन लोगों क्या किसी के यहाँ छापा पड़ा है? ऐसे व्यापारी को यहाँ तो खड़े होकर मेरे को बता दें। दुकान देखिए, मैंने यही बात आपसे ही कहा है कि आप अपनी दुकान को खोलें, निश्चिंत होकर खोलें, किसी तरह का कोई आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत काम होता है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से मेरा नंबर नोट करें, आप फोन करें, आपके बाजार के मुखिया लोग हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तमाम आपका एसोसिएशन है, उनको पहले पकड़िए। व्यवहार होता आपके साथ किसी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं होता है, व्यापारी आधार को बदनाम करना, ये सब हम सबका कारण नहीं है। हम लोग अच्छे व्यापारियों में हम मिलती है और सरकार आज बैठक ये हुई है, जो 3-4 दिन से लगातार सर्वे के नाम पे छापेमारी चल रही है, तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज शहर में हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके यहाँ हो रहा है वो आदेश से केवल सर्वे हो रहा है, लेकिन अगर ये सेल टैक्स के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी यदि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न करते हों या तानिशाही रवैया अपनाते हों तो इनकी शिकायत कीजिए और इनकी खबर ली जाएगी। कतई किसी व्यापारी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो केवल दिया गया है कि जो कुछ लोगों की कर चोरी का मामला है, कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन का मामला है, अगर ये कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी को कहीं से प्रताड़ित कर रहा है, ये कतई क्षम्य नहीं होगा। उस अधिकारी की खबर ली जाएगी और उस अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जाएगी। व्यापारी निश्चिंत रहें और ये व्यापारियों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारी के साथ हैं। मेरा नाम योगेंद्रनाथ दुबे है और दवा विक्रेता समिति का अध्यक्ष हूँ और आज इसीलिए सारे व्यापार मंडल की बैठक बुलाई गई है कि सब लोग
ये जान जाए और अपनी दुकानें खोलें। अगर कोई भी अधिकारी आता है तो उसका सामना करें। अगर किसी के यहाँ जांच और सर्वे के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है तो बताएं और हम लोग उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे कि ये अधिकारी गड़बड़ है, ये अधिकारी भ्रष्ट है और ये तानाशाही रवैया अपना रहा है, व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहा है। उस अधिकारी की खबर ली जाएगी और उन्होंने साफ साफ चिताया है कि GST के अधिकारी चेत जाएं, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आज व्यापारियों के साथ हमने बैठक किया है, ये GST विभाग द्वारा जो तमाम छापे सर्वे हो रहे हैं, लोग अपनी दुकानों को अनायास बंद कर रहे हैं, उसी के संबंध में आज मैं मुख्यमंत्री जी से 3 दिनों बाद मुलाकात किया सुबह, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो है किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जो व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने व्यापार को करें और दुकानें अपनी खोल करके काम करें। कोई भी व्यापारी को किसी तरह से कोई अधिकारी न तंग करेगा न परेशान करेगा, और अगर कोई आदमी चिन्हित है जिसकी अनियमितताएँ हैं तो वो एक प्रक्रिया है, वो उनके यहाँ जाएगा और उनसे जो भी है सर्वे करेगा, कार्य करेगा। इसमें घबराने की लोगों को मार्केट की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में तमाम से बहुत से लोग हैं, 100 सौ 200 500 दुकानदार हैं, तो मार्केट जो है एक बड़ा व्यापार का स्थल होता है, तो उसमें एक अधिकारी अगर जाता है किसी एक दुकान पर जाएगा तो पूरा मार्केट बंद करने का क्या औचित्य है, डर नहीं होना चाहिए। वहाँ का अगर कोई स्थानीय व्यापारी हैं वो व्यापारी मंडल, व्यापार मंडल अगर किसी के साथ अनैतिक बात हो रहा है तो निश्चित रूप से वो व्यापार मंडल को साथ में ले लें, और कोई भी साथ कोई भी अधिकारी उसके साथ अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और महाराज जी ने भी कहा कि सब लोग एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ 10 लाख रुपए का अनुदान जो है, जो किसी का कैजुअल्टी रजिस्टर्ड व्यापारी जो व्यापारी है जो GST में रजिस्टर्ड है उसको 10 लाख रुपए का सरकारी अनुदान उसके किसी यहाँ कैजुअल्टी होने पर, मृत्यु होने पर उसके परिवार को मिलता है, वो फ्री मिलता है, वो उसके ऊपर ये नहीं कोई प्रीमियम कोई नहीं जमा करता है। तो सरकार इतने व्यापारियों की सुरक्षा कर रहा है, पहले क्या समय था आज क्या समय है, हर आदमी स्वतंत्र होकर के व्यापार कर रहा है, और ये व्यापारी GST विभाग ये सरकारी एक प्रक्रिया है, सरकार को अगर कर नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी, तो वो तो सरकार को कर देना व्यापारी देता ही है, लेकिन अगर कुछ लोग बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और तमाम कर की चोरी कर रहे हैं तो उनके यहाँ अगर ऐसी बातें हो रही, सर्वे हो रही हैं तो उसका साथ देना चाहिए, सब लोगों को मिलकर विरोध नहीं करना चाहिए, दुकानें खोलें अपना और निश्चिंत रूप से होकर के काम करें। कोई भी व्यापारी अगर उनके साथ अनैतिक कार्य होता है, कोई अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, अनैतिक बात करता है, तो निश्चित रूप से उसको मुख्यमंत्री तक मैं पहुँचाऊँगा और पूरा उसका सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।